आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के बाद कलेक्ट्रेट सभागार में राहत कार्यों की समीक्षा की, जहां उन्होंने क्षतिग्रस्त मार्गों, बिजली और पेयजल को जल्द से जल्द बहाल करने और पीड़ित परिवारों तक हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में हुई आपद की बारिश के बाद मुख्यमंत्री ने आपदा क्षेत्रों के निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि आपदा प्रभावित सभी क्षेत्रों में मेडिकल सुविधा एवं दवाइयां पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन को बचाने के लिए पूरे प्रदेश में एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई, साथ ही गैस सिलेंडर फटने से जिला अस्पताल गोपेश्वर में भर्ती गंभीर घायलों को एयर एम्बुलेंस से हायर सेंटर रेफर किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा राहत कार्यों में संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। अतिवृष्टि के कारण जो भी सड़कें अवरुद्ध हुई हैं, उनको जल्द से जल्द बहाल करें। इसके लिए यदि अतिरिक्त जेसीबी मशीन या कहीं पर जेसीबी मशीन एयर लिफ्ट करने की आवश्यकता है तो संज्ञान में लाया जाए। उसमें चमोली जनपद में भी काफ़ी नुकसान हुआ, 125 सड़कें बंद की, 8 पुल जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी 125 में से 92 खुल गई है, 33 अभी बंद हैं, उनको भी जल्दी खोलने की प्रक्रिया हो रही है। इसी तरह से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 83 बंद थी, उसमें से 40 खोल दी हैं, अभी 43 बंद हैं। विद्युत विभाग के भी 450 पुल क्षतिग्रस्त हुए, 10 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए हैं और सिंचाई विभाग पेयजल योजना भी 54 क्षतिग्रस्त थी, जिसमें से 46 अभी इन्होंने ठीक कर दी हैं और जो बची हुई है उसको भी ठीक कर रहे हैं। हम लोगों का चूँकि आपदा में सभी जगह सड़कें जो बंद हैं, पुल बह गए हैं, पशु हानि हुई है, कहीं पर जन हानि हुई है, सभी में हम लोगों का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम पुनः जो है अपने सामान्य जीवन में आए। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी लगातार यहाँ के लिए फोकस है, वो भी हमारा मनोबल लगातार बढ़ा रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी स्वयं रात को चलकर 1:30 बजे यहाँ पहुँचे थे और पूरे उत्तराखंड का उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया था 2 घंटे का। उसके बाद यहाँ पर आपदा से संबंधित जो बैठक है वो बैठक करी थी और बैठक करने के बाद भारत सरकार की टीम भी आज आ गई है, वो पूरे क्षति का आकलन कर रही है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सभी लोगों के लिए सामान्य स्थिति पैदा हो, उसके लिए हम लोग स्वयं जो है सभी जगह पर जा रहे हैं, सभी जगह पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे मंत्रीगण भी सभी अपने अपने जो जनपदों के प्रभारी हैं वहाँ पर जाकर स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, स्वयं उसको लीड कर रहे हैं, हमारे विधायकगण कर रहे हैं, पार्टी संगठन के लोग कर रहे हैं। ऐसे समय में, आपदा के समय में, हमने सभी का आह्वान किया है कि सभी लोग, पक्ष विपक्ष, जितने भी सामाजिक संगठन, हमारे उद्योग समूह के लोग, जो भी इस समय हेल्प कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों में विद्युत एवं पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनको तत्काल सुचारू किया जाए। प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करें। लोक निर्माण विभाग को आगामी 7 नवंबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने आपदा में त्वरित कार्यवाही, जिला प्रशासन के कार्यों की सराहना भी की है। कहा कि आपदा में सभी ने अच्छा कार्य किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत संचालित कार्यों के बारे में भी जानकारी ली। बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री ने गोपेश्वर जिला अस्पताल पहुंचकर यहां पर भर्ती मरीजों का हाल भी जाना। चमोली से पुष्कर सिंह नेगी की रिपोर्ट। जिम्मेदार कौन,